दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। देखो नए नए लेटेस्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है 23 आपका जो अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है उसके जीएस के क्वेश्चन करने वाले हैं। और धीरे धीरे जीएस के करेंगे और फिर हिंदी के और फिर मैथ एंड रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जीएस के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यूपी पुलिस की सारी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लगभग दोस्तों 150 क्वेश्चन इसमें से है, यूपी पुलिस में 150 क्वेश्चन है। और लगभग हमको जीएस का जो पोर्शन दोस्तों यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है वो आपका 113 क्वेश्चन से यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए 113 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? तो द स्कारलेट लेटर जो दोस्तों ये आपकी पुस्तक है वो आपकी लिखी है नथालियन हॉर्थोन ने। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है 14। ठीक है, कह रहा उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया, कह रहा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? तो स्ट्रीक्स नामक सुविधा दोस्तों किसमें है? तो ये स्नैपचैट में है। किसमें? स्नैपचैट में है। ठीक है, अगला है पल्लव वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों? तो पल्लव वंश की राजधानी जो थी आपकी, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कांचीपुरम, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। जाता है वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी FSB, ये काम क्या करता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ये विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये अपने सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है, यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों काफी फेमस क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन को चुना गया है, आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 118 क्वेश्चन पे आ गए हैं। कह रहा है कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है? तो दोस्तों फ्रांस और जर्मनी के बीच जो आपकी रेखा है वो सिंगर लाइन है। कौन सी? सिंगर लाइन, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है DGFT विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कह रहा है विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये आता है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। परमाणु ऊर्जा के लिए, कह रहा है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन से तत्व आवश्यक हैं? सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कार्बन, यूरेनियम। तो दोस्तों आपको याद रखो यूरेनियम और थोरियम होते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी यूरेनियम हो जाएगा। अगला है नोएडा, देखिए काफी आसान क्वेश्चन बोलिए, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये गौतम बुद्ध नगर, यानी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस दोस्तों आपका 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जून 2024 तक संघ क्रय मंत्रालय का प्रमुख कौन है, यानी होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कौन है? तो वही अमित शाह जी हैं। ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी INC की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, ऑप्शन डी दोस्तों आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, कहता है भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बॉम्बे मुंबई में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों इस वजह से मैं तेज आपके क्वेश्चन करा रहा हूँ कि आपका भी समय वेस्ट ना हो और आप जिसका एग्जाम हो चुका है तो मैं अपना मैच कर लेगा, और जिसका एग्जाम अभी आने वाला है तो इन इन टॉपिक से क्वेश्चन वो पढ़ के जाए उसके लिए बेहतर रहेगा, और सारी अपडेट्स तो मैं आपको देता ही रहूंगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं GST पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो दोस्तों आपका 20 लाख इसका होगा। ठीक है, 20 लाख ही होगा, हाँ ठीक है 20 लाख ही होगा। अगला क्वेश्चन है 127 की दुर्घटनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपनी खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है दोस्तों? तो इसमें यूज किया जाता है आपका इमेज फिशिंग का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका? इमेज फिशिंग का। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो जागरेब क्रोएशिया की राजधानी है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 129 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। कहता है आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? कह रहा है आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अधिकारियों को संभावित खतरे की अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। आइए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो किसके? थंडर ड्रैगन, यानी ऑप्शन बी भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं? देखो इंस्टाग्राम है भाई, हम लोग फोटो वीडियो वगैरह डालते हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, लेकिन गूगल क्या? गूगल एक हमारा सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल क्या? एक हमारा सर्च इंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 132 क्वेश्चन निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रोफिकेशन है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जल प्रदूषण। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, जल प्रदूषण।
ठीक है। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो ये थे आपके सीडी देशमुख, यानी चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीत निदेशक तत्वों से आता है, यानी डीपीएसपी से। दोस्तों आपका क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, तो डीपीएसपी आपका किस में आता है, तो भाग चार में आता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, कहता है पुस्तक ए लाइफ स्पेंट तो किसके द्वारा लिखी गई है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। फिर आसमान के नीले रंग का मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों आसमान के नीले रंग का मुख्य कारण पहला ऑप्शन है वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन हो सकता है, श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन जलवाष्प वाष्प वायु के कारण नीले प्रकाश का, ये भी हो सकता है, दोनों में से हो सकता है, बट जो अगर बेटर ऑप्शन होगा तो ऑप्शन ए हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रमन सुब्बा राव जिनका अलीम निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे, भैया आपको पता है फेमस क्रिकेटर है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए क्रिकेट से जुड़े हुए थे, किससे, क्रिकेट से जुड़े थे। अगला है प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है, तो गोदावरी नाम है भैया, गोदावरी प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी है। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है भैया, एनएचआरसी का फुल फॉर्म पूछ लिया गया, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंडिया, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, तो युवा, ठीक है, 1985 को, ठीक है, युवा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 141 क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्या अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में क्या सहायता करती है, तो किसमें सहायता करती है दोस्तों, तो ये आपकी किसमें सहायता करती है, तो गुणात्मक में, ठीक है, किसमें, गुणात्मक में सहायता करती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, कहता है बीआरआई का पूर्ण रूप क्या है, तो बीआरआई का पूर्ण रूप होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वो काम करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं स्पीयर फिशिंग, क्या कहते हैं, स्पीयर फिशिंग, ठीक है, स्पीयर फिशिंग बोलते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, दोस्तों ये जुलाई 2000 में घोषित की गई थी, वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रत्यक्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा पूछा गया है, ठीक है, यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, यानी मानवाधिकार की स्थापना तो 2000 में हुई थी, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो ये थे रस कुक, कौन थे, रस कुक, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है, तो ये आपने पाकिस्तान, पड़ोसी देश है, उसी से लगे झगड़े ज्यादा होते रहते हैं भाई, कोई पाकिस्तान है तो पाकिस्तान ही आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला, देखो पूछा गया यूपी जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, यूपी जीके से लगभग एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, पूछ रहा है वारली चित्रकला, तो दोस्तों वारली जो चित्रकला है ये आपकी महाराष्ट्र की है, कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। ठीक है, चिकनकारी दोस्तों आपकी लखनऊ की है, चिकनकारी एक पारस्परिक कढ़ाई शैली जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश के शहर में हुई, तो लखनऊ शहर में हुई है, कहाँ से हुई है, लखनऊ शहर में। अगला क्वेश्चन है, लगभग पूरा पेपर हम जीएस के क्वेश्चन सारे खत्म होने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सारी अपडेट्स मैसेज चैनल पर आपको मिलेगी, और अभी एग्जाम सेंटर पे भी जाके हम एनालिसिस करेंगे, आज किसी कारणवश नहीं हो पाया, बट कल से आपको मिलेगा। ठीक है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, यानी ऑप्शन है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो लगी तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसी अपडेट्स के लिए जय हिंद, जय भारत।